वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा, स्पेसिफिकेशन दूंगा वोल्टास के 0.75 टन के एयर कंडीशनर के बारे में। ये वोल्टास का 0.75 टन का एयर कंडीशनर है। ये देखिए, 2870 वाट कूलिंग कैपेसिटी, 763 यूनिट्स पर ईयर, सिंगल स्पीड मीन्स फिक्स स्पीड कह सकते हो, नॉन इन्वर्टर एसी। वोल्टास का 0.75, 100% कॉपर मशीन आ जाती है। कूल्स अप टू 48 डिग्री, जो उनसे 100% कूलिंग कैपेसिटी देने की क्षमता वो 48 डिग्री तक होती है। इसमें आपको तीन मोड मिलेंगे, कूल मोड, ड्राई मोड, फैन मोड। R32 गैस है, एयर स्विंग का ऑप्शन है, लेफ्ट राइट अप डाउन मैनुअल आ गया आपकी। एनर्जी सेविंग का भी ऑप्शन है, अप डाउन टेम्परेचर अप डाउन का स्विच, फैन स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको स्लीप टाइम स्लीप मोड भी मिलता है, 24 आवर्स का टाइमर भी मिल जाता है, पावर ऑन ऑफ का स्विच। लुक देखिए बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए कॉपर की कॉइल्स हैं, कॉपर की क्वालिटी बहुत बढ़िया। हाईली का कंप्रेसर यूज़ किया गया, हाईली या हिटाची का ब्रांड, इसमें हिटाची का कंप्रेसर यूज़ किया गया वोल्टास की तरफ से, क्योंकि वोल्टास खुद कंप्रेसर नहीं बनाता, वोल्टास आउटसोर्सिंग करता कंप्रेसर के। देखिए ग्रीन टेक्नोलॉजी, मेटल भी बढ़िया लगा हुआ है, ये डायनामिक शीट है, इसे जर वगैरह कुछ नहीं लगता। पेंट की क्वालिटी भी बढ़िया, ये देखिए शाइन कर रहा प्रॉपर। हवा के लिए वेंट्स दे रखे हैं, इसमें आपको स्टेपलाइजर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कंजप्शन भी बहुत कम होती है इसकी। अगर आपका रूम 8x8 और मैक्सिमम 10x10 है तभी ये एसी यूज़ कीजिए, अगर उससे बड़ा है तो एसी ये मत लगाइए। अगर आपका टॉप फ्लोर में है या फर्स्ट फ्लोर पे है तभी भी ये एसी नहीं काम करेगा। अगर आपके कमरा छोटा है तभी एसी लगाइए, बड़े कमरे में भूल के भी मत लगा लेना, क्योंकि इसकी कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी। और 1 टन लगाओ अगर आपका रूम थोड़ा ज़्यादा बड़ा, अगर उससे भी ज़्यादा तो 1.5 टन लगा लो, कंजप्शन कम रहेगी। ऐसे नहीं होगा कि कमरा बड़ा 1.5 टन लगा लिया या 1 टन लगा लिया कंजप्शन कम आएगी, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर रूम के अकॉर्डिंग अगर एसी लगाओगे तभी कंजप्शन कम होगी, ऐसे कंजप्शन कम नहीं होती। बताने के लिए कुछ खास है नहीं, जो थे मेन फीचर्स मैंने आपको बता दिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक मॉडल आता है। ओके, बाय बाय।